नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने के लिए पार्टियों को परिसीमन प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। उपराज्यपाल का बड़ा बयान निकल के आया है। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका CPC को बदनाम नहीं करे और अलगाववादी ताकतों का समर्थन बंद करे। बड़ी खबर निकल के आ रही है, अमेरिका ने CPC पर बोला बड़ा हमला। इस बीच गलवान घाटी में केवल 4 सैनिकों की मौत के आंकड़े पर उठ रहे सवाल के बीच चीन ने गिरफ्तार किया अपने ही पत्रकारों को। जी हां, चीन पूरी तरीके से विरोध शुरू हो चुका है। और इस बीच दोस्तों आपको बता दें फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर CM योगी आदित्यनाथ ने किए बड़े ऐलान तो भड़क गए मुस्लिम। जी आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर मुसलमान भड़कते दिखाई दे रहे हैं। आप बता, हिंदू मंदिरों को लेकर कई ऐलान कर दिए हैं बजट में। इस बीच दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत लद्दाख में तनाव घटने के असर के बीच भारत में चीन के 45 निवेशों की मिली मंजूरी। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। म्यांमार में तख्ता पलट, फेसबुक ने बंद किए सरकारी TV के चैनल पे। जी हां, ये भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पर पाकिस्तान में इमरान खान, लंका ने इमरान खान के भाषण पर लगाई प्रतिबंध। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही, पूरी तरीके से बैन लगा दिए हैं इमरान खान के भाषण पर। इसके बारे भी आपको बताएंगे दोस्तों। सब कुछ खबरें एक करके विस्तार से बताएंगे। जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में पहुंचकर ममता बनर्जी को जय श्री राम बोले। जी हां, सब कुछ खबरें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्शकें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने के लिए पार्टियों को परिसीमन प्रक्रिया में सहयोग करना। उपराज्यपाल का बड़ा ऐलान निकल के आ रहा है। जी आपको बता दें परिसीमन का कार्य लगभग शुरू हो चुका है। दरअसल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा है कि राजनीतिक दलों को परिसीमन प्रक्रिया को पूरा करने में सहयोग करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द कराने का रास्ता साफ हो। सिन्हा ने यहाँ संवाददाताओं से कहा है कि जो लोग जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव चाहते हैं उनसे आग्रह है कि परिसीमन आयोग का सहयोग करें, ना कि बहाने बनाएं। उनसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जल्द ही विधानसभा चुनाव कराने की मांग के बारे में पूछा गया था। ये पूछने पर जम्मू कश्मीर में कब तक चुनाव कराए जा सकते हैं, सिन्हा ने कहा है कि फिलहाल ये निर्णय चुनाव आयोग करेगा। उन्होंने कहा है कि भारत में संवैधानिक संस्थाएं हैं, निर्णय चुनाव आयोग करेंगे, लेकिन परिसीमन का कार्य जारी है। हम चलते हैं अगले अपडेट। पाकिस्तान को लंका ने दिया करारा झटका, इमरान खान के भाषण पर लगाया प्रतिबंध। तो पाकिस्तान ने कहा भारत की साजिश बताए, कहा ये ठीक नहीं है महोदय। दरअसल आपको बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की श्रीलंका यात्रा के पूर्व इस पर कई तरीके की चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा में भारत का नाम भी शामिल है। दरअसल इमरान खान की 22 फरवरी को श्रीलंका के दौरे पर जाने वाले इस दौरे में वो श्रीलंका की संसद को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उनके इस कार्यक्रम को श्रीलंका की सरकार ने रद्द कर दिया। इसको लेकर श्रीलंका और पाकिस्तान के मीडिया में कई तरीके की चर्चाएं जोरों पर हैं। इसमें भारत का नाम भी शामिल किया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान इमरान खान की मुलाकात श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटबाया के अलावा उनके समकक्ष महिंदा राजपक्षे से होगी। इमरान श्रीलंका में निवेशकों के एक सम्मेलन को भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा श्रीलंका के संसद को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उनके इस कार्यक्रम को श्रीलंका सरकार ने ही रद्द कर दिया। उन्होंने कहा है कि फिलहाल श्रीलंकन संसद में कहीं ना कहीं इमरान खान जम्मू कश्मीर का मसला उठा सकते हैं, जिससे भारत की नाराजगी बढ़ी थी। और इसी को लेकर पाकिस्तान की मीडिया ने कहा है कि फिलहाल ये भारत की कूटनीति है कि इमरान खान को लंका की श्रीलंका की संसद में नहीं बोलने दिया गया है। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं। अमेरिका ने CPC पर बोला बड़ा हमला। CPC पर तो चीन ने कहा अलगाववादी ताकतों का समर्थन बंद करे। दरअसल आपको बता दें चीन ने सोमवार को अमेरिका में सत्तारूढ़ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CPC को उनके एक दलीय राजनीतिक प्रणाली को बदनाम नहीं करने और ताइवान, तिब्बत, हांगकांग एवं जिनजियांग में अलगाववादी ताकतों का समर्थन नहीं करने की अपील की है। चीन अमेरिकी संबंधों के विषय पर आयोजित वार्षिक लाइटिंग फोरम में विदेश मंत्री वांग वी ने कहा है फिलहाल बाइडेन प्रशासन को अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उन कठोर नीतियों पर विचार करना चाहिए जिसे उन्होंने चीन के बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगाने के लिए उठाया था। वांग ने कहा है कि फिलहाल हमारी मंशा अमेरिका को चुनौती देना या फिर उसे हटाने की नहीं, हम शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए तैयार हैं, अमेरिका के साझा विकास चाहते हैं। उन्होंने कहा है किसी तरीके से हम आशा करते हैं कि आप सहयोग करेंगे, लेकिन अमेरिका ने कुछ अलग ही ऐलान कर दिया है।
हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल म्यांमार में तख्तापलट फेसबुक ने बंद किया सरकारी टीवी चैनल के पेज को। जी हाँ, दरअसल म्यांमार में तख्तापलट के कारण चल रहे संघर्ष के बीच दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने म्यांमार के सरकारी टेलीविजन के फेसबुक पेज अकाउंट को पूरी तरीके से बंद कर दिया। इसमें एक दिन पहले ही चैनल ने तख्तापलट का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को चेताया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चैनल ने यह भी कहा था कि टकराव होने पर लोगों की जान पर खतरा बन सकता है। उल्लेखनीय है कि देश में तख्तापलट के विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इमर्जिंग मार्केट्स में जननीतियों के निर्देशक राफेल फ्रैंकल ने कहा है कि वैश्विक नीतियों के अनुसार हमने MRTV और MRTV लाइव पेज को फेसबुक से हटा दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि लगातार विरोध तेज हो रहा है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, गालवान झड़प में केवल 4 सैनिकों की मौत के आंकड़े पर उठे सवाल। चीन ने गिरफ्तार किए अपने ही 3 पत्रकार। जी हाँ, दरअसल पूर्वी लद्दाख के गालवान घाटी इलाके में पिछले साल भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया था। वहीं पहले इसी झड़प में किसी भी तरीके के नुकसान से इनकार करने वाले चीन ने बीते दिनों आधिकारिक रूप से स्वीकार किया कि उसके 4 सैनिक मारे गए हैं। 4 सैनिक बता रहे हैं बस। लेकिन अब आप समझिए चीन की मीडिया ने क्या सवाल किया है। चीन ने कहा है कि फिलहाल चीन की मीडिया प्लेटफॉर्म में साफ साफ ये कहा है कि फिलहाल भारत के नज़रिए से देखा जाए तो वो जीत गए हैं। जी हाँ, ये चीन की मीडिया का कहना है। चीन की मीडिया पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा गया है कि भारत के नज़रिए से देखा जाए तो वो जीत गए और हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिसके बाद उन पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इसके बाद ही उन पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप समझिए इसके क्या मायने हैं। पोल खुलने के बाद चीन को लगा कि पोल खुल रहा है तो उनको गिरफ्तार किया गया। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। लद्दाख में तनाव घटने का असर, भारत में चीन के 45 निवेशकों को मिल सकती है मंजूरी। दरअसल भारत जल्द ही चीन के 45 निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। इससे चीन के ग्रेट वॉल मोटर और SIC मोटर कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों सेनाओं के बीच तनाव कम करने के असर के तौर पर देखा जा रहा है। ये प्रस्ताव तभी से भारत ने रोक रखे हैं जब से पिछले साल पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना ने कई मोर्चे पर गुस्ताखियां की थी और उसके जवाब में भारत ने बेहद सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए थे। हालांकि चीन ने भारत की ओर से कई की गई कड़ाई पर सवाल उठाने की भी कोशिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने सीमा पर तनाव कम होने तक ड्रैगन के हर दबाव को नज़रअंदाज कर दिया और आखिरकार चीन की सेना को LAC से पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर CM योगी आदित्यनाथ का पेपरलेस बजट, किसानों को मुफ्त पानी और सस्ते लोन की व्यवस्था। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए लगभग 5,50,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया। सूबे के इतिहास का पहला कागज रहित और अपना 5वां व आखिरी पूर्ण बजट पेश करते हुए सरकार ने चुनावी साल में मिशन 2022 के लक्ष्य साधने के लिए सारे जतन बजट में किए। कोरोना महामारी का तीखा दंश झेलने के बावजूद सूबे के विकास की बड़ी लकीर खींचने की खातिर सरकार ने हौसला दिखाते हुए बुनियादी ढांचों के विकास को रफ्तार देने के लिए धन वर्षा की। वहीं श्रमिकों, महिलाओं, किसानों और युवाओं को सौगातें देने के लिए भी खजाना खोला। कोरोना आपदा से सबक लेते हुए सरकार ने कोविड टीकाकरण समेत स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए। अयोध्या और काशी पर फोकस बरकरार रख सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को परचम भी लहराया। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, योग्य छात्रों को मिलेगा लैपटॉप। योगी सरकार ने टीकाकरण के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की है। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 24 फरवरी को पहुंचेंगे मोटेरा स्टेडियम। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला डे नाइट टेस्ट रूप में पिंक बॉल में अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में 24 फरवरी को खेला जाएगा। इस नए स्टेडियम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया जाएगा। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल दोनों टीमों के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर है। शुरुआती 2 टेस्ट चेन्नई में खेले गए हैं। पहला मैच इंग्लैंड ने 227 रन तो दूसरा टेस्ट मेजबान भारत ने 317 रन के रिकॉर्ड अंतर से जीता था। ये टीम इंडिया के रनों के लिहाज से इंग्लैंड पर पहली सबसे बड़ी जीत थी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दोस्तों गुजरात की दोनों राज्यसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा, दिनेश चंद्र और रामा भाई मोकरिया जीते। गुजरात की 2 खाली राज्यसभा सीटों पर भाजपा के दिवेश चंद्र, जेमल भाई
अन नवड़िया और रामा भाई हरजी भाई मोकरिया ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि ये दो सीटें कांग्रेस नेता अहमद पटेल और भाजपा नेता गणपत राय भारद्वाज के निधन की वजह से खाली हुई थी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दे कोरोना से फिर जंग की तैयारी, शाह ने की कोवैक्सीनेशन की समीक्षा, बीएमसी की सख्त गाइडलाइन जारी। दरअसल देश में कोरोना वायरस की रफ्तार पकड़ता दिख रहा है, देश में तेजी से बढ़ते मामलों से सरकारें भी हरकत में आ गई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सख्ती कर दी है, वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दे दिए हैं। सख्ती के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोमवार गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री शाह ने समीक्षा के दौरान कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए जारी वैक्सीनेशन अभियान के संबंध में जानकारी ली है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में गर्जे, कहा ममता दीदी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। दरअसल आपको बता दें पश्चिम बंगाल में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। इस बीच पीएम मोदी ने कहा है कि फिलहाल बदलाव तो चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव इस बात का चाहिए कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जंगल राज बन गया है उसका बदलाव चाहिए। अगर आप बदलाव चाहते हैं ममता बनर्जी के कुशासन से पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल को एक मजबूत बंगाल बनाना चाहते हैं, तो आप इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। ममता बनर्जी ने पिछले 12 सालों में बेड़ा गर्क करके रख दिया है पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त है। और अगर आप भी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने और बेरोजगारी दूर हो, और ख़ास करके जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं ममता बनर्जी के दबाव के कारण, और जो सरकार की तरफ से योजनाओं पश्चिम बंगाल में नहीं पहुंच रहे हैं वो पहुंचें, और आप मानते हैं कि पश्चिम बंगाल भी कहीं ना कहीं तरीके से हिंदुत्व पर गर्व कर सके और हिंदू के रीत रिवाजों और ख़ास करके चाहे दुर्गा पूजा हो या फिर अच्छे ढंग से मनाई जाने वाली दीपावली या होली हो, तमाम चीज़ें खुले भाव से स्वतंत्र आज़ादी के साथ मनाया जा सके, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। और ममता बनर्जी जो जय श्री राम के नारे से चिढ़ते हैं उनको करारा जवाब दे। तो इस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला बोला है दोस्तों। फिलहाल हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल दलाई लामा, बड़ी खबर, दलाई लामा का फोटो लगाने पर 50 लोगों को प्रताड़ित करता है चीन, तिब्बत में सीरिया जैसे हालात, तेनजिन सुंदू का बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल तिब्बत के क्रांति धर्मी कवि और लेखक तेनजिन, जो लंबे समय से तिब्बत की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने चीन को लेकर कई तरह के खुलासे कर दिए हैं। सुंगू का कहना है कि फिलहाल चीन द्वारा तिब्बत के लोगों को दलाई लामा का फोटो लगाने पर प्रताड़ित किया जाता है। पुलिस आसपास के 50-60 लोगों से पूछताछ करती है। एक गाँव से अगर दूसरे गाँव में जाना पड़े तो उसके लिए वीजा जैसी औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती है। इसी प्रक्रिया में लोगों को बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है। तिब्बत में चीन को जो कुछ कर रहा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो बहुत गलत कर रहा है। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही हुई हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।